खबर बांदा से है, जहां पुरानी रंजिश के कारण लड़की की शादी में विदाई के समय कुछ दबंगों ने लड़की के भाई पर गोली चला दी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इसी घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला कमासिन थाना इलाके के तिसोला गांव का है, जहां के रहने वाले केदार गर्ग की बेटी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। इसी दौरान दुल्हन की विदाई के वक्त लड़की के भाई ललित गर्ग को जान से मारने के इरादे से आए अर्जुन निवासी कुचौली थाना राजापुर चित्रकूट और प्रदुम निवासी अचरील कमासिन ने उनके घर में घुसकर मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर उन्होंने केदार गर्ग पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस लड़की के पिता के तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इसी कड़ी में बांदा पुलिस ने 3 दिन के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है।